नमस्कार। आज जो हमारी सीरीज चल रही है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप पुस्तक मेरे हाथ में देख सकते हैं, एटॉमिक हैबिट। हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और आज जो जिस टॉपिक को हम लेने जा रहे हैं, वो इस किताब का शुरुआती पहला अध्याय है, जिसका शीर्षक है छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। तो इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनको बहुत ब्रीफ में समझेंगे और कैसे इस किताब में छोटी छोटी आदतों का महत्व जो विशेष बताया गया है उसको हम जानेंगे। तो किताब में जब हम शुरुआत मैंने शुरुआत की इसकी, तो मुझे सबसे पहले एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम है जो, उसके बारे में अध्याय मिला जिसमें वो बता रहे हैं कि जो टीम वर्षों से किसी भी प्रकार का कोई मेडल नहीं जीती थी ओलंपिक में, एक छोटे से एक चेंज की वजह से वो ना सिर्फ मेडल जीती बल्कि लगातार जीतती चली गई। तो उसके बारे में ये पहले अध्याय की कुछ बातें हैं, हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक लंबे समय से ओलंपिक वगैरह में मेडल्स नहीं ला रही थी, और इसको देखकर कोरिया की एक साइकिलिंग कंपनी थी, उसने ये निर्णय लिया कि अब वो इनके लिए साइकिल भी नहीं देगी, क्योंकि अगर वो इनको साइकिल देगी तो लोगों के ऊपर गलत इंप्रेशन जाएगा उनकी साइकिल को लेकर कि इनकी साइकिल में कोई कमी है, ऐसा कुछ उनके दिमाग में आया होगा। तो उन्होंने साइकिल देना तक उन्हें बंद कर दिया था। ब्रेलफोर्ड करके कोई एक व्यक्ति थे, उनको उस टीम का संचालक बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत छोटे छोटे चेंजेस अपनी टीम के लिए किए, और अपनी टीम के खिलाड़ियों की जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत छोटे छोटे परिवर्तन कराए। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ा और आगे चल के टीम कई बार जीती। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि सीट डिजाइन उन्होंने ऐसी कराई कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट उनके लिए उपलब्ध कराई, टायरों में चारकोल लगवा दिया, उनकी ड्रेसअप में चेंज कराया, मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनका जो ड्रेसअप था उसको चेंज करा दिया। खेलते टाइम, प्रैक्टिस के टाइम पे उनकी कैसी क्या एक्टिविटी रहती है उनको ऑब्जर्व करना उन्होंने चालू कर दिया। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हायर किया जिसने ठंडों में खिलाड़ियों को हाथ कैसे धोना है ये सिखाया, नींद वाले गद्दे उन्होंने उपलब्ध करा दिए कि अच्छी नींद आए खिलाड़ियों को। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जब उन्होंने किए, उस समय जब उन्होंने ये चेंजेस कराए थे उस समय तो उन्हें कोई चेंज समझ में नहीं आया लोगों को, और जो खिलाड़ी थे उन्हें ऐसा लगा होगा कि क्या ही हो रहा है। लेकिन जब 2008 का ओलंपिक आया, तो ये जो टीम थी लगभग 60% मेडल्स गोल्ड वाले अपनी टीम में लाती है। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और काफी सराहना की उनकी, जो अपने टीम के संचालक थे ब्रिटिश टीम के, उनकी बड़ी तारीफ हुई। तब उन्होंने ये चीजें बताई होंगी। और सिर्फ 2008 में ही नहीं, 2012 का जो ओलंपिक आया था वहां पर भी लगभग 9 गोल्ड जीतकर अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया, और 7 विश्व कीर्तिमान इस ब्रिटिश टीम ने बनाए। दोस्तों, जो ब्रिटिश टीम का उदाहरण उन्होंने दिया है जेम्स क्लियर ने, वो तो सिर्फ उदाहरण के लिए अकेला है, और बाकी का जो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं और वो सब उसमें इंक्लूड है। ये कहानी खत्म होती है, उसके बाद एक और टॉपिक उसी अध्याय में चालू होता है कि छोटी छोटी आदतों से कैसे फर्क पड़ता है। इसमें बताया गया है कि आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज हैं। एकदम से अगर कोई चेंज लाते हैं तो 2-3 दिन में वो हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर वही हम चेंज अपनी लाइफ में लाइफ टाइम लेकर चलें तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक ब्याज के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई विमान अपनी हवा में उड़ रहा है, ऊपर आसमान में उड़ रहा है, तो उसके कुछ डिग्री तक अगर उसे चेंज कर देंगे तो ये कहने में तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3-4 डिग्री अपन ने चेंज कर दिया फ्लाइट का मुंह तो कहने में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये विमान को कहीं और ही ले जा सकता है। जैसे अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको गाजियाबाद ले जाए या कहीं और ले जाए। तो ये सब बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं उनका चेंजेस रहता है।
इस किताब में बताया गया है कि अपनी लाइफ में जो चीजें चल रही है उसके साथ ही अगर अपन एक दिन में एक एक्स्ट्रा वर्क करना सीख जाएंगे तो साल भर में हम बहुत सारे जो अतिरिक्त कार्य हैं वो कर सकते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे विचारों को चेंज, विचार जो छोटे छोटे विचार हमारे मन में आते हैं वो कैसे चेंजेस ला सकते हैं। और इस किताब में ये भी बताया है कि कैसे हम अपने विचारों को भी प्रतिदिन शुद्ध करें और जो अपने कार्य हैं जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए 1% कार्य तो करते चलें, तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। तो इस पुस्तक में आगे 3-4 पॉइंट्स हैं, उन सबको एक कंक्लूड करके जो मैंने एक चीज़ निकाली है समझ के, किताब में ही दी हुई है, तो उसमें बताया गया है कि लक्ष्यों के बारे में कैसे भूल जाएं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि लक्ष्य दिशा तय करने में हमारी सहायक होते हैं। इस किताब में सिस्टम और रिजल्ट के बारे में बताया गया है। अब सिस्टम क्या है? तो सिस्टम भी प्रक्रिया है जो वो या वो एफर्ट है जो हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं, और लक्ष्य रिजल्ट मतलब वो भी लक्ष्य ही हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर महत्व वाली हैं। तो उसमें बताया गया है कि हम जो हमने डिसाइड कर लिया है उस पर उसका ध्यान तो रखें, लेकिन हम सिर्फ उसी के बारे में ना सोचें, उसके जो रास्ता है उसकी वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी है कि लक्ष्य हमारी खुशी को बाधित करते हैं। कई बार ये होता है कि हम अपने कुछ गोल्स सेट कर लेते हैं, लक्ष्य सेट कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि यार जब ये मैं प्राप्त कर लूँगा तब बड़ा खुश होऊंगा, और उस चीज़ को मतलब अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और जब तक वो उसी को पा नहीं लेते तब तक वो खुश नहीं होते। और ऐसे में होता ये है कि अगर वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते तो हमेशा के हम लिए निराश हो जाते हैं। उस दौरान हम खुश नहीं रह पाते, उस दौरान हम बहुत छोटी छोटी खुशियों की जो बातें हैं उनको भी भूल जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हाँ ठीक है, आप लक्ष्य पर पहुँच कर अपने खुशी जाहिर करेंगे या उस इंतजार उस वहाँ तक पहुँचने का आप कर रहे हैं, लेकिन किताब में एक चीज़ ये बताई गई है कि आप लक्ष्य तक पहुँचने की जो यात्रा है उसको भी आप इंजॉय कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ही बड़ा फर्क आपकी लाइफ में लाएंगी। तो आशा है ये जो किताब है कहीं ना कहीं आप में और मुझ में कुछ परिवर्तन लाने की मददगार होगी। आगे के जो अध्याय आने वाले हैं उनमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली हैं। तो अगर आप भी इस किताब में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी इस किताब को सुनना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर अपने फ़ोन में सेव कर लें। धन्यवाद।